अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोटर बंद कर देती हूँ आवाज आ रही। तो आज मैं खाना पका रही हूँ। मैं तो खाना पकाती हूँ, है ना। तो मैं तो पकाते और कौन पकाता। खाना ही पकाने वाली हूँ मैं। तो आज मैंने देखिए मैंने क्या बनाया। फ्लाउ फ्लाउ माशाल्लाह। और यहाँ पे बन रहा है फ्लाउ फ्राई। और ये जो है ना मेरे अशरफ की फेवरेट रेसिपी है फ्राउन फ्राई। उसको बहुत बोलो तो बहुत फ्राउन पसंद है मेरे को। मैं कल लेके आई थी ना झींगा, और कल झींगा लेके आई थी और कल ये लेके आई थी बांगड़ा। तो बांगड़े का तो सालन मैंने बना दी थी, साउथ इंडियन बांगड़ा करी। तो आज मैं बोली आज मैं फ्राउन फ्लाउ बनाती हूँ। तो मेरे को क्या बोलता मम्मी, आधा ना आधा फ्राउन फ्लाउ बनाना और आधा है ना मेरे लिए फ्राउन फ्राई करना। तो उसके लिए थोड़ा कल उसके डैडी ने उसको ना पट्टे से मारे अशरफ को, बोल अपने बड़े भाई को ना उसने उल्टा बोला आसिफ को थोड़ा सा। तो उसके अब्बा ने कल उसको पट्टे से मारे। मेरे को मारते भाई को बोलते नहीं, भाई मेरे को छेड़ते ऐसा रो रो के मेरे बच्चा मुझे जान दो। तो क्या करेंगे, वो थोड़ा मस्ती खो रहे ना। एक मस्ती एक शांत रहता तो एक मस्ती खो रहे। अभी ये शांत नहीं है, ये गुन्नी है गुन्नी। ये चुपचाप रहता है, चुपचाप रह के उसको उंगली करता है, चुपचाप रहता है। और मैं देखूंगी नहीं ना, मैं अपने काम उसको उंगली करेगा। अब वो कैसा है, वो क्या करता है, उसको चीज आ जाती है। फिर देखो अभी मम्मी मैं तो भाई छेड़ रहे, फिर मैं ध्यान नहीं दूंगी ना तो फिर उल्टा बोल देता है। तो फिर मैं मानती हूँ भाई को क्यों उल्टा बोला, भाई को क्यों उल्टा बोला। तो फिर ऐसा होता है हमारे घर में ना, भाई भाई का ना बहुत ये होते रहता है, झगड़े नहीं होते हो, झगड़े नहीं बोलते। बचपन में सब लड़ते ही थे, हम लोग भी बहन भाई लड़ते थे, सब बचपन में लड़ते ही थे। एक घर में सब लोग करेंगे ना तो एक दूसरे भाई बहन लड़ना चालू ही रहता है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं मुमरा मेरी बहन के घर पे। तो मैं बोली चलो शाम को जाना है 7 बजे तक का। आज वहाँ पर मेरी बहन, कल मेरी बहन ने जुम्मा की दावत रखी है मुस्कान की। रेसिपी पकने रखी थी ना, वो थोड़ा शूट करना था इसके लिए इसको बंद करके उसको चालू किया हम लोग, है ना। तो जैसे कि आज मैं जाने वाली हूँ बहन के उधर, जुम्मा की दावत है ना। कल है जुम्मा मगर आज ही हम लोग जाएंगे। बेचारी इतने दिन से बुला रही है आगे। अभी देखना हम लोग तीनों बहन लोग जब मिलेंगे ना तो हम लोग ऐसे क्या गे ये नहीं करेंगे तू, हम लोग गे बहुत बोलते ना, शबाना आपा शबाना खाला मैं, है ना। हम लोग गे बहुत बोलते। तो ऐसी हम लोग है ना फिर ऐसी बातें करते हैं। तो चलो आप लोगों ने, मेरी बहन ने जो नया वाला घर लिया है ना वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगी, है ना। झूठा घर था उन लोगों ने वो बेच दिए और थोड़ा और पैसा डाल के मतलब एक नया वाला फ्लैट खरीदे, है ना। वो मेरी बहन वो फ्लैट में रहती है, मुस्कान की अम्मी भी फ्लैट में रहती है। मैं चौल वाली हूँ, मुझे चौल पसंद है, है ना। मुझे अच्छा लगता चौल में रहना। तो चलिए अभी निकलने की तैयारी हो रही है। सबसे पहले से यहाँ पे बहुत ग्रीन टी खुली होती है और लेट भी बहुत हो गया, खाना बनाते बनाते 5 बज गए। तो आसिफ भाई कल कहाँ गए थे। हाँ अरे तो क्या हुआ, कल मैं गई थी बाहर, कल मेरा काम हो गया पूरा काम मेरा, कितना 4 बजे तक का मेरा पूरा काम हो गया घर में का। तो फिर मैं बोली चल अभी कुछ भी काम नहीं है, मैं जरा बाहर जाके थी, मैं कुछ जगह जाना था, काम था, वहाँ पर मैं गई थी। मैं बोली तू घर में बैठ के मत रहना, जरा कहीं पे तू जाके आ। आसिफ क्या ना घर में से भाव निकलता ही नहीं, कहीं जाता नहीं। वो सुबह में अभी जिम जाएगा, जिम में से आएगा तो घर में ही रहेगा, यानी तो दरवाजे के बाहर बैठेगा। अभी कॉलेज चालू होने वाली है ना, अभी कॉलेज में जाएगा, है ना। जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। और उसके बाद में मैं बोली कहीं तो जा क्या बेटा, क्या घर में बैठा रहता है। अरे मम्मी मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को नहीं अच्छा लगता जाने के लिए। तो मैं गुस्सा की, मैं बोली अगर तू नहीं जाएगा ना तो भी देख। तो मैं चली गई अपने काम से बाहर। उसके बाद मैं आई तो ये घर में बैठे लादा। तो मैं बोली कहाँ गया नहीं, बोले हाँ जाके आया। तो मैं पूछी नहीं कहाँ गया करके। तो उसके जेब में से ट्रेन की टिकट निकली, तो टिकट देखी, मैं बोली ये टिकट, मैं बोली वीटी गया था तू, तो बोलता हाँ वीटी गया था। मैं बोली क्यों, बोलता आई से यहाँ से ट्रेन में बैठा वीटी स्टेशन गया, फिर वही ट्रेन से वीटी स्टेशन से फिर विक्रोली आया। मैं इतना हंसी, मैं बोली ये पागल छोकरा, बोले क्या करू मैं, किधर जाऊँ। इसके लिए मैं ट्रेन में बैठ के थी, वीटी गया, वीटी क्या वीटी स्टेशन देखा, वहां से रिटर्न आ गया, विक्रोली आया। 2 घंटा टाइम, कितना घंटा लगा, 40 मिनट जाने में,
आधा घंटा बेटा, 40 मिनट आने में 2 घंटा, 2-2.5 घंटा ऐसा है तुम्हारा आशी। कहाँ जाता वो मैं अपने साथ ही जाएगा, अकेला तो कितने भी नहीं जाता। और अकेला जाता नहीं भी, मेरे साथ जाएगा तो मैं उसको पूछूंगी ना, अरे ये क्या है वो क्या है, तो बोला मेरे को क्या मालूम, छोड़ते क्या मेरे को तुम किधर भी जाने के लिए। मेरा डेकोरेशन कैसा है ना, मम्मी ऐसा रेसिपी बनने के बाद ऐसा गार्निशिंग करते, प्लेटिंग करते अफरोज किचन के लिए, रेसिपी अच्छी दिखने के लिए है ना मम्मी। और उधर पुलाव भी रेडी हो चुका है, झींगा पुलाव। तो चलिए गाइस, अभी खाना पीना खाकर हो चुका है, नहा धो के भी हो चुका है, सारे कपड़े वगैरह पैकिंग करके हो चुके हैं, बस 2 दिन के लिए जा रहे हैं, आज की रात और कल, शायद परसों शनिचर के दिन आ जाएगी, शनिचर को सुबह या कल रात में आ जाएगी। हाँ, कल रात को भी आ सकते हैं हम लोग। तो चलिए अभी निकल गए जाने के लिए, तो वापस जाके आपको बताएंगे। मेरी बहन लोग सब आए हैं, बहन वहाँ पे शबाना मुस्कान की अम्मी आ चुके हैं, और वो भी आए अपनी, मेरी बहू रानी भी आई है, मेरी बहू, हमारी बहू कौन, रुखसार भाभी, रुखसार भाभी है ना, रुखसार बोलो तुम, रुखसार, रुखसार तो भाभी बोला तो मैं भाभी बोले ना। हमारी बहू भी आई है, 2 से 3 बार फोन करी, खाला आई नहीं, खाला आई नहीं। अरे मैं जान पापा, मेरा काम है इधर, वीडियो बनाना पड़ता है, फिर एक दिन किधर, एक दिन अगर भाग जाने का है तो वो दिन का वीडियो एक्स्ट्रा पहले बना के रखना पड़ता है, हमारी लाइफ इतनी बिजी है ना, आसान नहीं लगता है सबको है ना, मगर बहुत कठिन सफर निकलता है, एक बार इस पे चले गए तो काम करते ही रहना है। तो चलिए अभी तैयारी हो चुकी है, कैसी लग रही हूँ मैं, गजरा भी लगाया मैंने, खुशबू अच्छे लगते हैं मुझे, गजरे की खुशबू बहुत पसंद है ना। इधर इस तरफ
चलिए गाइस, आज है दूसरा दिन, तो जैसे कि हम लोग रात को आए, उसके बाद में थोड़ा खाना पीना खाए, थोड़ा सब हंसी मजाक किए, उसके बाद में हम लोग सो गए। उसके बाद में अभी हम लोग उठे हैं, तो आपको जहाँ पर मेरी बहन ने अभी नया फ्लैट लिए है ना, वहाँ का आपको व्यू बताती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा व्यू है सामने देखने में, है न। कौन सी बिल्डिंग है? एम ए वली में हूँ, एम ए वली ना, एम ए वली में हूँ मैं, है ना। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा घर है ना, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है, माशाल्लाह रौनक भी अच्छी है। और यहाँ पे रात को मैं नीचे घूमने भी गई थी, ये देखिए यहाँ पर झाड़ वगैरह कितने अच्छे हैं। Okay.